तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी मोदी सरकार के एक साल की उपलब्धियों को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को घर घर तक ले जा रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 15 लाख घरों तक इस संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में अभी कोई चुनावी सरगर्मी नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता सड़कों पर लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्र बांट रहे हैं। कोरोना काल में बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ता हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के लिखे पत्रों को बांटते नजर आए। नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ मुंह पर बीजेपी के झंडे के रंग और कमल के निशान वाला मास्क पहनकर लोगों को मोदी के लिखे पत्र को बांटते नजर आए। आपके नाम से मोदी जी का एक चिट्ठी है, वो चाहते हैं अपने देश के नागरिकों से बात करें कि अभी तक हमने क्या किया है और इस कोरोना संकट में भी। भैया नमस्ते। ऐसा नजारा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने नई दिल्ली इलाके में लोगों को मास्क के साथ मोदी सरकार पार्ट टू की उपलब्धियों के पर्चे बांटे। साथ ही लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए देह से दूरी भी रखने की अपील की। बीजेपी के नेता अगर इस कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय लोगों के इलाज के लिए अगर अस्पतालों में बिस्तर का बंदोबस्त कराते तो ज्यादा बेहतर होता। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।